हाँ कुछ पता चला? ठीक है। मायर, थोड़ा तहमल से काम लें। ये सिचुएशन ऐसे हैंडल करने वाली नहीं है। अगर मेरी माने तो मुझे लगता है आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए इसमें। ना पुलिस के पास नहीं जा सकते हम। ऑफिस की रेपुटेशन की बात है, हमारे काम पे इफेक्ट आएगा इसका। समझ नहीं आती मुझे। पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि आमिर और सवेरा एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। ये बात सिर्फ ऑफिस की नहीं है, घर की इज्जत की भी बात है। लेकिन मायर, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। खुद को देखें, वहां पे सवेरा अलग परेशान है। और वो बेवकूफ है जो उस पे अभी तक भरोसा कर रही है। हो सकता है मायर के आमिर बेकसूर हो। नामुमकिन है यार, फूफो को लेके वो कहीं छुप गया है और वो अच्छी तरह जानता है कि सवेरा जो है मेरी और अम्मी की कमजोरी है। इसलिए उसको ये भी पता था कि हम कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएंगे। उसने फायदा उठाया इस बात का। सबसे मेरे सामने आ गया वो, उसको छोड़ूंगा नहीं। हमारा तो एतबार खोया उसने, लेकिन सवेरा का उसने दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा उसने। अच्छा माय प्लीज, अब गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। अक्सर कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। अम्मी जी, आपने मुझे बुलाया, कहें जो कहना है वो। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। चले जाना ऑफिस, बैठो जरा इधर। अच्छा कहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ, फरियाल उम्मीद से? तो ये खबर आप तक भी पहुंच गई। पागलपन की बातें मत करो, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। वो तो इतने जोर जोर से तुम लोग आपस में झगड़ रहे थे कि मुझे बाहर तक आवाजें आ रही थी। बेटा, औलाद की नेमत से भी कोई मुंह मोड़ता है? और ये बच्चा तो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलने के लिए आ रहा है। क्या मतलब? इस बच्चे के होने से मेरी किस्मत कैसे बदल जाएगी? तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे बाप की कौन सी ढंग की नौकरी थी? वो तो तुम दुनिया में आए तो हमारी भी किस्मत के दिन बदले। अच्छा, आप लोगों के लिए इतना लकी साबित हुआ था। और क्या, तुम अच्छे दिन किस्मत से ही तो बदलते हैं। देखो ना, तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी तो तुम्हारी तरक्की भी बढ़ेगी। और अनाया के शौहर को अगर पता चल गया कि तुमने जालमाना कदम उठाया है तो एक दिन भी तुम्हें ऑफिस में नहीं टिकने देगा। तुम क्या समझते हो अनाया को? सारा सारा दिन अपनी बहन के साथ फोन करके खबरें लेती रहती है। बनती तो है दोनों की बहुत, हर वक्त घुसी रहती है एक दूसरे में। मना भी किया है मैंने इस जाहिल औरत को, इसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ काम, खराब होने से बच गया है। तुम ऑफिस जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगी। आप वैसे काफी होशियार हैं अम्मी आप। फरियाल भी खुश हो जाएगी, बेचारी गल तकिए में मुंह डाल के सारी रात रोती रही है। ये तुमने फरियाल की खुशी के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए कदम उठाया है, समझे तुम? जी समझ गया, चले। गाफिस।